नहीं, आज यहाँ पे संगीत की महफिल जमने वाली है आज। आपको पता मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ऐसा माहौल बनता है। आज यहाँ पे तीन बेहतरीन सिंगर आने वाले हैं, तो एक एक करके मैं उनको मंच पे बुलाता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले स्वागत कीजिए अपनी अलग आवाज के लिए मशहूर बॉलीवुड को एक से एक हिट गाने देने वाले लेजेंडरी सिंगर मिस्टर शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू, मजा आ गया आपको। पता है मैं पहली बार शैलेंद्र सर से मुलाकात हो रही है। अच्छा? आप तो किसी बैंक के सीईओ लगते हैं आप, सीरियसली। इतने मतलब वो बैंक है जिसमें पैसा नहीं है। अच्छा, जब ये गाना हमने आपकी आवाज में पहली बार सुना था, ओह माय गॉड, पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था आपकी आवाज का। जी। हर लड़का एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यही गा रहा था कि मैं शायर तो नहीं, और उसके बाद हम तो मैं कमरे में बंद हूँ। ये गाने को लोगों ने इतना फॉलो किया, 73 में ये गाना आया, तो 2 साल लोग इतना कमरे में बंद रहे कि 75 में भारत सरकार को ये स्लोगन लाना पड़ा कि हम दो हमारे दो, कमरा थोड़ा खुला भी रहने दो। वाह, मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक में ये गाना इंट्रोड्यूस हो सकता है, बेटर होता है एक्चुअली। वैसे शैलेंद्र सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका डेब्यू हुआ बॉबी फिल्म से, और ऋषि कपूर साहब और शैलेंद्र सर एक साथ ही लॉन्च हुए इंडस्ट्री में, तो जब राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपने गाना है और देखना ये गाना गाने के बाद एक दिन आप कपिल शर्मा शो में जाएंगे, ऐसा मजाक कर रहा सर? हमारा सौभाग्य है आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मजाक मजाक में सच बात बोल देता है। पर वैसे सर एक बात पूछनी थी, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी कोई लड़की आपसे फरमाइश करती थी कि ये गाना गा दो, हम तो मैं कमरे में बंद हूँ, तो आपकी वाइफ भी सामने रहती थी, तो आप फिर गा पाते थे कि बीवी गुर्दे पे कुहनी मारती थी? बीवी तो बहुत बाद में आई। आप तो बहुत यंग थे एक्चुअली, है ना, जब आपने गाना गाया बॉबी में थे, मतलब मतलब आई थिंक आपका लाइसेंस ही बना था शायद 18-19 साल के होंगे। मैं वो 19, चिंटू भी 19 साल का था। वाओ, दोनों एक ही, हम दोनों में एक महीने का फर्क था, वो एग्जैक्टली एक महीना मुझसे बड़ा था। वाओ, अच्छा, क्या बात है, दोनों मिला के 36 के भी नहीं थे टोटल। देखो आपने क्या धमाल मचाया। वाह, शैलेंद्र सर आइए यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां शैलेंद्र साहब के लिए। अब बुलाते हैं उनको जिनका भजन सुनते ही मन को एकदम सुकून मिलता है, शांत हो जाता है चित्त। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है, आपको मिलते मजा आ जाता है। शुक्रिया सर, क्या बात। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, फिर वो भी निकल गया। अच्छा, लॉकडाउन में बड़े सारे सिंगर्स ने अपने सिंगल निकाले, अनूप जी सिंगल कभी नहीं निकालते। आप सिंगल में बिलीव नहीं करते, सीधा डबल में? मैं डबल पे बिलीव करता हूँ। पर अनूप सर जब भी मिलते हैं एक्स्ट्रा हैंडसम हो चुके होते हैं, चमक रहे हैं एकदम। शैलेंद्र साहब हमें तो कभी ये बताते नहीं, आपके तो मित्र हैं, इनसे पूछा आपने कभी? राज बता दीजिए, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? ये है गोपियां, गोपियां साथ में लाते हैं। ओह, तो आज दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि महफिल जमने वाली है, सो एक और फनकार, एंटरटेनर, सिंगर हरफन मौला, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सुदेश भोसले साहब। देखिए बैठिए, एंट्री वंस मोर। अभी तो महफिल शुरू हुई है मोहतरमा। आज बहुत रंग जमने वाला, जोरदार तालियां। वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है सुदेश सर आपका। अच्छा सुदेश जी, इकलौते ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में, किसी की कमी महसूस नहीं होने देते। आपको पता है अर्चना जी, बच्चन साहब इनकी वजह से पंक्चुअल हुए हैं। हाँ, वो टाइम पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे ये इनकी डबिंग करके चले जाएंगे। आज भी यहाँ पे हमने 7 सिंगर्स इनवाइट किए थे, 4 के नाम तो इन्होंने कटवा दिए, ये तो मैं ही गा लूंगा कहते। पर मजा आता सर जब भी आपसे मुलाकात होती है। शैलेंद्र सर पहली बार हमारे शो पे आए हैं। वैसे बता दूं, अर्चना का पेट नेम आर्ची है वैसे। हाँ। पता होगा ना? हाँ, आपके एक और भी नाम है कुंदन सिंह। थैंक यू सो मच, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, और फिर आज जो नाम चेंज करके मेरा नाम, हाँ, तो मेरे लिए तो मतलब ये ऑल टाइम फेवरेट बन गया। वो पेमेंट तो उसी के बाद ही मिलेगी ना।
आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो रही है। सर आप आपस में महफिलें आपकी होती रहती होंगी घर पे कि नहीं? हम लोग करते रहते खूब। आप तो खुद इतना अच्छा गाते हैं कपिल जी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा एक चीज याद आ गई मुझे जी, एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था, ऐसी लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे और फर्स्ट रो में अर्चना जी बैठी हुई थी एक गोदी में बच्चा लिए। अच्छा जी। और वो बच्चा रोता ही जा रहा था। तो मैंने कहा अर्चना जी इस बच्चे को चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। शैलेंद्र सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में आपने पहला गाना गाया उस समय रफी साहब, किशोर साहब, मतलब बड़े बड़े धुरंधर थे, और राज कपूर साहब द ग्रेट शोमैन, उनके बेटे का लॉन्च हो रहा है जी, तो होता ना कि यार मेरे बेटे का लॉन्च है तो बेस्ट सिंगर जो है इंडस्ट्री में मैं उन्हीं से गवाऊंगा, और आपको तभी दुनिया को पता नहीं था कि शैलेंद्र सिंह कौन है, तो कैसे सर ये बॉबी के साथ कैसे जुड़ना हुआ? देखो मैं तो गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग सीखने। अच्छा जी। मैंने कोई प्लेबैक सिंगर बनने का कभी सोचा नहीं था। अच्छा। गाना सीखता था मैं। अच्छा जी। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो उनके एक स्क्रिप्ट राइटर थे मिस्टर वीपी साठे। अच्छा। जो राज साहब के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो उनको पता था कि मैं गाना गाता हूँ, ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई शैलेंद्र को बुला लो बॉम्बे, मैं उसको राज के यहाँ ले जाऊँगा। अच्छा जी। तो मैं बॉम्बे आया, वो मुझे वहाँ ले गए, मैं उन दिनों गजलें गाता था। अच्छा जी। तो बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। अरे वाह जी, मेरे यार की याद आ गई, सॉन्ग राइटर शैलेंद्र जी, मित्र थे शैलेंद्र। फिर वो शूटिंग फ्लोर पे उन्होंने बोला कि आप एक गाना गाओ यहाँ पर, शूटिंग में बड़े बड़े माइक होते थे वो, तो शूटिंग रूम बड़े मोटे मोटे। जी जी जी। तो वहाँ मैंने एक गाना गाया और तो दूर कोने में एक लड़का खड़ा था गोरा सा, तो मैंने ख़त्म किया तो उसने बोला हाई आई एम ऋषि कपूर। अच्छा। मैं बोला हाई आई एम शैलेंद्र सिंह। राज साहब वॉन्टेड अ फ्रेश वॉइस। अच्छा जी। तो मुझे ये फिल्म मिली बिकॉज ऑफ मिस्टर राज कपूर। वाह। और उसके बाद हिस्ट्री। वाह वाह वाह, क्या गाने थे, एक एक गाने, क्या बात है सर। अच्छा जब ऋषि कपूर साहब इतने बड़े स्टार बन गए, उनको तो लड़कियां चिट्ठियां मिठियां बड़ी लिखती थी, तो आपने कहा नहीं कि थोड़ी चिट्ठियां इधर फॉरवर्ड करो, मेरा भी हिस्सा है, गाने तो मैंने गाए हैं? उल्टा हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे पास भी भेज दे कुछ, तो मैंने भेजी। नहीं मैं शैलू जी के बारे में कहूंगा, मेरे बड़े भैया हैं ये, और क्या हुआ है कि एज अ सिंगर आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में एज ए हीरो काम किया है। अच्छा। रेखा जी के ऑपोजिट भी इन्होंने काम किया। अरे वाह। और अगर उस वक्त की आप फिल्में देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये ही है वो जो सबसे बहुत अच्छी चली है फिल्में इनकी। थैंक यू सुरेश। अच्छा महिलाओं में लोकप्रिय अनूप सर भी बहुत है। वो हमें पता है। अच्छा सिर्फ महिलाओं में क्यों? ये महिलाओं की तरफ से चढ़ावा है। अच्छा एक एक बार एक लड़की मुझसे गाना सीखने आई। अच्छा जी। तो मैंने कहा पहले सीखा है? कहती हाँ मैंने सीखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुनाओ क्या सीखा। तो उसने सानी धानी सारे सानी जा था घगरे धानी जा घगरे धानी जा घगरे धानी जा। तो मैंने कहा तुमने तो क्लासिकल अच्छा सीखा हुआ। अच्छा। फिर वो शुरू हो गई सा नी नी दादा नी सा रे रे धानी दा घगरे धानी सा घगरे धानी जा धानी सा रे घगरे धानी जा। मैंने कहा अच्छा गा रही हो। फिर अचानक मुझे ध्यान गया कि माँ और पा तो गा ही नहीं रही है। तो मैंने कहा माँ और पा क्यों नहीं गा रही हो? कहती वो मैं नहीं गाती हूँ, उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। शायद इसीलिए मैं पॉपुलर हूँ उनके बीच। अनूप सर इतने हैंडसम है, मैं हमेशा ग्लो करता है चेहरा इनका, भक्ति संगीत गाते हैं फिर भी महिलाओं में इतनी लोकप्रियता है। I think a special, आराम से, special applause for दादा। क्या बात है? Super. पर अनूप सर एक बात बताइए, ये जो आज भक्ति रस के साथ साथ आपकी आंखों में श्रृंगार रस नजर आ रहा है, ये कोई ऑडियंस में तो नहीं कोई बैठा हुआ जिनके लिए गा? मैंने बोला था ना। मैंने बोला तो। अच्छा सुदेश सर आपका जुम्मा चुम्मा गाना हम फिल्म का इतना बड़ा हिट हो गया सर, फिर ये चुम्मे का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कहाँ, आई मीन लाइव शो कहाँ कहाँ किया आपने? पूरी वर्ल्ड टूर किए होंगे उस समय तो आपने? सर मैं मेरे हर लाइव शो में बोलता हूँ
गाया मैंने, लिया उन्होंने. चुन मैं. नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज उस गाने को 31 साल हुए हैं. वाह क्या बात है. और आज भी वर्ल्ड में कहीं भी मैं एंट्री करता हूँ तो पहली आवाज, अरे ओ जुम्मा, तो लक्ष्मी की जी, प्यारे भाई और बख्शी साहब, अमित जी, चीनी प्रकाश जी को मैं जितना थैंक यू कहूँगा उतना कम है. और मुझे किसी एक्टर की आवाज में गवाने का जो आइडिया, वो पता है, यकीन भी नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते हो, शशि कपूर साहब का. अच्छा. मैं अजूबा फिल्म के लिए गाने गया था, लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, तो वो बोलते भी ऐसे थे, सुरेश कुछ ना कुछ तेरा करूंगा. और ये क्योंकि पान और उनका डब्बा हाथ में रहता था ना, तो ऐसे ग्लास भी रहता था कभी कभी. बोला सर ये किसके लिए गा रहा हूँ मैं, तो बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं, फिल्म का नाम है अजूबा और ये जो सामने बैठे ना इनका नाम है शशि कपूर. मतलब सर जानता हूँ मैं. तो बोले शशि जी ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता. अच्छा. साउंड तो शशि बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे. और इस रिकॉर्डिंग में रणधीर कपूर साहब, शशि जी और ऋषि कपूर भी बैठे थे. अच्छा जी. रिकॉर्डिंग हुआ, फोटोग्राफ वगैरह हो गए और रणधीर कपूर, कम ऑन मैन लेट्स गो. ऋषि तो ऋषि कपूर बोलते यार रुको यार, अमित जी को तो आने दो. व्हाट अमिताभ बच्चन, ही हैज सॉन्ग द सॉन्ग. तो उसके बाद लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया, हाँ. यार ये तो गाने में भी साउंड करता अमिताभ बच्चन जैसा. हाँ. तो उन्होंने बोला सुरेश आजा कुछ लिखा है, वो कैसे बोलेंगे, अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन. हाँ. तो आजा 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 भी तू कल आजा. फिर उसके बाद बोले अब मैंने मुखड़ा लिखा है, वो कैसे गाएं, जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे. ये और फिर गाना जब बना अंतरे. अच्छा. बख्शी साहब ने लिखे और जब गाना खिचड़ी पक गई तब अमित जी को बुलाया, आपके लिए कुछ बनाया सुनिए. तो ऐसे मैंने 1-to-1 बिना माइक्रोफोन के. अच्छा. लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम पे उनको सुनाया, तो जैसे सुना ओके रिकॉर्ड कर लो. वाह. और उसमें लाइन है एक, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे. तो बैठे बैठे अमित जी बोले मैं साउथ अफ्रीका में एक डिस्को में था, नॉर्मल गायन चल रहा था, ऑडियंस भी थी, अचानक किसी ने हे दा रा रा दे रे दे दा रा रा रा, तो मैंने बोला चुम्मा दे दे, तो ये ऐड. तो ये अमित जी का कॉन्ट्री. अच्छा. बच्चन साहब बड़े सुरीले हैं. तो बस उस गाने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री. फिर अमित जी उस वक्त बोले थे अब मैं नहीं गाऊंगा, यही गाएगा. वाह. फिर उन्होंने कुछ गाने गाए, मैंने बोला कोई बात नहीं. पर एक्चुअली बच्चन साहब को कितनी जनरेशन जो हैं पसंद करती हैं आज तक. भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे. और मेरी बेटी 2 साल की अभी, तो वो ना एक गाना सुनती रहती बच्चन साहब का, रॉक एंड रोल सोनी है. तो मैं कौन बने करोड़पति में गया, तो वो उनको देख के बोलते डॉक्टर नोल अंकल. मैं सोचूं हम उनके फैन, हमारे पिताजी उनके फैन, हमारे दादाजी, और मतलब वी लव यू बच्चन साहब. थैंक यू. मोहतरमा कुछ कह रही है, एक बार सुना दो ना. कहती जुम्मा चुम्मा सुना दो. सर वैसे एक बार जुम्मा चुम्मा अगर बंगाली में बोलेंगे तो कैसे होएगा? अच्छा एक ये जुम्मा चुम्मा जब रिलीज हुआ था 90 में, तो मैंने 19 लैंग्वेजेस में गाया था. तो उसमें सबसे कठिन थी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस. तो वहाँ से राइटर्स आए वो प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो मैं उसमें पोगा पोगा रे समथिंग समथिंग पोगा पोगा जय नो सर रॉन्ग सर. बोलो भाई पोगा. बोलो सर आई एम सिंगिंग व्हाट यू आर सिंगिंग. नो सर. फिर मैंने ना एक बोला ना यहाँ ब्रेन में एक मेरा बत्ती जली. ये बात कौन है बे? बत्ती इसको बाहर निकालो. हाँ तो ये बत्ती जली. मैंने क्या किया पोगा पोगा दे यस सर देयर यू आर. मैंने कहा सर दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन, दिस इज बालासुब्रमण्यम. अच्छा बालासुब्रमण्यम साहब की भी आवाज निकालते हैं आप? कोशिश करता हूँ.
बालू जी ने पंचमदा के गाने भी गाए, रफी साहब के गाने थे, और मुझे किशोरदा के गानों के लिए बताया. तो हम लोग दोनों ने मिलके ना कंपटीशन सॉन्ग गाया, चांद मेरा दिल तुम क्या जानो. अब हमको तो आदत पड़ गई रफी साहब की ना. अब ये गाना उस शो में बालू जी ने गाया. अच्छा. अब मेरे सर्किट में यो वो फिट गए. अब मैं सच बताऊं, आपके शो में अगर ये आए तो यही होने चाहिए. ओनली सुदेश सर, एक विनती है सोनी साहब के, मैं भैंसा भी बन जाऊंगा. मैं सपना भी बन जाऊंगा. अच्छा. मैं पालन भी चलाऊंगा, मैं तेल भी लेके आऊंगा. लेकिन मुझे रख लो यार, मुझे रख लो यार. क्या बात है. क्या हुआ सुदेश भोसले जी, अनूप जलोटा जी, और यहाँ पे शैलेंद्र सिंह जो हो पहले. मैं आप लोगों को पीछे ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पर हैं. पीछे क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि भाई प्ले बैक सिंगर है तो बैक में होंगे. हंसी मजाक के लिए बातें कर देता हूँ, थोड़ा जोकिंग हो जाता है. मैं बैठ जाऊँ शर्मा? देख लो फिर आप बाद में उठ जाओगे. बैठिए बैठिए यार, मैं आए हैं थोड़ा तारुफ कराओ ना यार. जैसे सर आप भजन सम्राट हैं, ये भोजन सम्राट हैं. हाँ, इनका छोटा वाला तबला कहीं गुम हो गया, बड़ा लेके घूमते रहते हैं. माय सेल्फ दामोदर जेठमलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा. अच्छा. अनु जलोटा जी, मुझे पता चला आप आ रहे हैं, मैं गिफ्ट लाया हूँ. क्या डिटर्जेंट लाया हूँ मैं आपके लिए. ये क्यों लेके आए? कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, छुपाऊं. छुपाऊं क्यों, छुटाइए. उसके लिए लाए? उसके लिए लाया हूँ. देखिए, अगर आपका वो दाग छूट जाता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने कपड़ों में भी इस्तेमाल कर लूंगा. क्या है कि पहले ट्राई करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ले देके मेरे पास एक शेरवानी है. अगर बाई चांस वो भी फट गई तो मेरी हालत पतली हो जाएगी. मतलब मैं तो नहीं हो पाऊंगा, हालत मेरी जरूर पतली हो जाएगी. साहब वो उन्होंने गाने में गाया है लागा चुनरी में दाग, ऐसे थोड़ी ना डिटर्जेंट पाउडर दे दोगे. ऐसे तो उन्होंने कहा है चुमा चुमा दे दे, आके चुमा दे दोगे उनको आप. मैं मानता हूँ कमाल का गाना है लागा चुनरी में दाग. मैंने रियलाइज किया आपने चुनरी पे गाना गाया, आपने दुपट्टे पे गाना गाया, लाल दुपट्टे वाले तेरा नाम तो बता. आपने इन दोनों चीजों पे नहीं गाया. क्यों भाई, चुनरी और दुपट्टे से प्रॉब्लम है सर आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही नहीं बस गाया. ठीक है, एक काम कर दे, एक बार ये पहन के दिखा दीजिए, क्यूट नहीं पहनेंगे वो क्यों पहनेंगे आपका दुपट्टा? नहीं पहने मैं पहन लेता हूँ, आई लाइक इट. मुंह ढक लो, आप बड़े अच्छे लगते हो. ये देखिए, ये पहन लिया मैंने. ओए होए होए, क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं मैं? इसी माहौल पे मैंने मोहब्बत पे एक शेर लिखा है, मैं सुना सकता हूँ? सुनाए सुनाए सुनाए. अर्ज किया है, इश्क में माना नजदीकियां है जरूरी, तुम आओ करीब, तुम आओ करीब. तुम आओ करीब, लेकिन मेंटेन करना 6 गज की दूरी. और नजदीक आ भी जाओ तो मास्क लगाना है जरूरी. बात तो सही है, सही बात है. वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तीनों इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे हैं. मैं कहता हूँ आपसे, अभी एक फिल्म जो आई थी ये अपनी, यार एक टोमाटिनो फेस्टिवल हुआ था एक फिल्म में, क्या नाम थी फिल्म? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. टोमाटिनो आपको याद है? टोमाटिनो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका पार्ट टू बनेगा ना, आप लोग कीजिएगा. पर आप हैं फरहान अख्तर. अच्छा. आप हैं अवेजियो. ये क्या है? और ऋतिक रोशन है आप. वाह वाह वाह, क्या बात है. ये बात कह के मुझे भी थोड़ा फनी लगा. मुझे भी लगा. नहीं, लेकिन आप क्यूट लगेंगे. मैं कह रहा हूँ आप क्यूट लगेंगे. देखिए ये तो आप कर देंगे. ये तो मैं कर लेता हूँ. थोड़ा सा ये कीजिए. ठीक है ठीक है. क्या बात है, ये कर लिया. अच्छे लग रहे हैं आप. साहब ये क्या कर रहे हैं आप फालतू बातें? यार मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ.
देखो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आप तीनों बहुत बड़े सिंगर हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। तो हमारा और आपका काम तो चल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे करेंगे ना तो शर्मा का भी चल जाएगा। ये तो देख रहे हो बाबू, देख रहे हो, I'm trying my best, बाबू। अब बेस्ट नहीं, आप रेस्ट कीजिए आप। मैंने कितनी बार कहा है आपको, पेट या मुंह दोनों में से एक चीज लाया करो। आप इतना सामान उठा के आते हैं, क्या जरूरत है आपको? सिर्फ पेट लाऊं और मेरा मुंह घर पे पड़ा है, फिर वो कुछ खाएगा तो यहाँ पे आएगा। ऐसी बातें करते हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने एक टाइम पे डिंपल कपाड़िया जी से कहा था कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। हाँ। उनको देख के आपको शायरी आ गई। हाँ। अर्चना पूरन सिंह को देख के आपको क्या आता है? नहीं देखिए, इनके पति हैं परमीज, उन्हें गुस्सा आता है। ऐसा उन्होंने बताया, मैं चुगली नहीं कर रहा, he told us. अच्छा, it's a fact. तो उनको क्या पूछ रहे हो? आपको आता है कुछ? फालतू में पूछे जा रहे सवाल। पर संगीत की दुनिया के बारे में मुझे सब आता है। अच्छा, आप सर हारमोनियम बजाते हैं? मैं वो बजा लेता हूँ। बांसुरी? नहीं नहीं, सीटी। तो फिर ये क्या है? ये मेरी उंगलियां। अच्छा अच्छा, जरा सा ये देख के इनको लगा के मैं बांसुरी बजाता हूँ। ये क्या फालतू यार, अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या मैं पियानो बजा रहा हूँ? नहीं, ये मैं टाइपराइटर पे टाइप कर रहा हूँ। सुदेश जी, जी आपका भी बहुत बड़ा मैं फैन हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फैन इनके शेड्यूल का हूँ। अच्छा, ये आदमी शेड्यूल के इतने पक्के हैं। एक बार एक लड़की ने इनसे कहा कि जुम्मे पे चुम्मा दूंगी। अच्छा, वो जुम्मे के दिन पीछे पड़ गए उसके। अमिताभ बच्चन जी को कप के साथ भेज दिया। अच्छा, जाओ मेरे साथ कप भर के चुम्मा मेरे लिए लेके आओ। क्या बात है, चलिए भाई चुम्मा तो चल। आप बच्चन साहब की आवाज निकालते हैं ना? जी, मैं उनकी निकालता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा? नहीं नहीं, रमेश तिवारी। रमेश तिवारी कौन है? ये हमारा दूध वाला है, भैंसे का दूध निकालता है। वाह वाह, वो भी मुंबई ना एक्टर बनने आया था। अच्छा, और मैं उसकी आवाज हू-ब-हू निकालता हूँ। अच्छा। पर वो कभी फेमस हुआ ही नहीं। उसके चलते मैं भी फेमस नहीं हुआ। आज अगर वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होता तो मेरे मिमिक्री के शोज हो रहे होते हर जगह। अरे मैं तो उनको भी पीछे छोड़ देता। शाहरुख खान को? नहीं नहीं, अजय मिश्रा। अभी अजय मिश्रा कौन है? अजय मिश्रा को नहीं जानते? नहीं। अरे बिल्डिंगों के कांच साफ करता है वो, ऐसे ये कपड़ा ये कपड़ा। क्या बात है वकील साहब, अब आपका बहुत हो गया, चलिए आप। नहीं, अगर देखो मेरा बहुत हो गया है तो मेरा सम्मान करो, तालियां बजवाओ, शॉल उड़ाओ मुझे, और दुनिया को बताओ कि वकील साहब का बहुत हो गया। शैलेंद्र जी, आपसे एक और बात पूछनी थी। आपने एक बार कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे, इसमें एक गलती की आपने। क्या? आपने कौवे को बताया नहीं कि काटना क्या है। भाई सूट के लिए कपड़ा काटना है, सब्जी काटनी है, फ्रूट्स काटने है, उसे बताइए तो सही। वो पता है बेचारा भटक रहा है, कंफ्यूज्ड। अच्छा, इतने सालों से कंफ्यूजन में उड़े जा रहा है। रास्ते में सनी देओल मिल गए, उन्होंने उनके मुंह पे खंड पा दिया। काले कौवा तेरे मुंह में खंड पावा, वो खंड पाए जा रहे हैं और बेचारा कौवा उड़ता जा रहा है कंफ्यूजन में। क्या दुनिया है भाई। वकील साहब करने के आए हैं आप यहाँ पे? ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया, मेरे चाचा जी का। नहीं मैं बता रहा हूँ सर। मेरे चाचा जी का मुंडन है, उस पे आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ। अभी तक हुआ नहीं आपके चाचा जी का मुंडन? नहीं, देखो मोहल्ले वालों ने तो कई बार उनका मुंडन किया है, पर काहे से। मोहल्ले वालों ने किया, लेकिन कायदे से, रीति रिवाज से एक जो मुंडन होता है ना, वो एक भी बार हम कर नहीं पाए।
हर बार जब हम प्लान करते हैं चाचा जी कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, फिर मोहल्ले वाले आते हैं उनका मुंडन करके चले जाते हैं। हमारा मुंडन फंसा हुआ है, फाइनली हमने डेट लॉक किया, आपको आना है। वकील साहब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। इज इट फोर्स कर रहे हैं मुझे, जाऊं क्या मैं? मेरे ख्याल से पीछे पीछे मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। चलिए इतना नहीं मैं बात। अरे कोई टिश्यू दो इनको भाई। अरे टिश्यू सर, तकिया ले लो पीछे से। नहीं नहीं मुझे मुझे सच में लगता है कि शायद मुझे जाना होगा, लेकिन घर पे डिनर रखा है, जरूर आइएगा। किस खुशी में रखा है? नहीं किसी खुशी में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि घर पे डिनर रखा है लेकिन कहाँ रखा है मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग जरूर आइएगा, हम सब मिलके डिनर को ढूंढेंगे। अच्छा। क्या मैं अकेला ढूंढूंगा? टाइम लग जाएगा हम सब। और डिनर मिल गया तो ऐसा नहीं कि भाई हमें मिल गया तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा डिनर आप मुझे खिला के जाएंगे। चलो मैं आपको छोड़ के आऊं। चलिए अनूप सर, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, हम लोग सेलिब्रिटी की फोटो जो होती है सोशल मीडिया पे उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं, हमारी जनता बड़ी फनी हो गई है हमारा शो देख देख के। तो वो कमेंट्स हम लोग सेलेब्स के सामने पढ़ते हैं, बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुदेश सर ने फोटो डाली, लेटेस्ट फ्रॉम हुनर हाट गोवा। हुनर हाट, ओके वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। गोवा शो की फोटो है और कमेंट्स हैं, सुदेश जी हर फरमाइश के साथ कैश लेते हुए। फोटो से पता नहीं चल रहा ये आपको गाने से रोक रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं सुदेश जी के कोट का वो एक बटन कितनी तकलीफ में होगा। सुदेश जी फैन की जगह ऑर्गेनाइजर को ढूंढ रहे हैं, वो भाग गया तो मेरा क्या होगा। और दिखाइए, अनूप सर ने फोटो डाली, फ्यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स वाइल सेलिब्रेटिंग सुरेश वाडेकर्स बर्थडे लास्ट इवनिंग। हरी सर हैं, आप हो और दोनों और कौन है पिक्चर में अनूप सर? समीर दाते, संजय, वो जो संजय महाले, संजय महाले। कमेंट्स दिखाइए जरा। अनूप जी खाना खा रहे हैं, लगता है इस फोटो के बाद जल्दी निकलेंगे। बाकी तीनों ने फोटोग्राफर को देख के प्लेट रख दी, केवल अनूप जी फंस गए। लगता है अनूप जी को डर है कोई गाने को ना बोल दे, इसलिए खाना शुरू कर दिया। अनूप जी बी लाइक, मैं तो कहता हूं तुम लोग भी खा लो, यहां पीने का इंतजाम नहीं। ओह दिखाइए, और मीटिंग अमिताभ जी टुडे एट जनक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेजर। वाओ बड़ी खूबसूरत पिक्चर है सर। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे, दिखाइए। सुदेश जी पूछ रहे हैं आपकी जैसी आवाज तो निकाल लेता हूं, आपके जितना पेमेंट कब मिलेगा? वेरी गुड। सुदेश जी बी लाइक, सर अभिषेक से बात करा दो, मैं उसकी आवाज भी निकाल लूंगा। और दिखाइए, रेन्स कांट स्टॉप अस फ्रॉम सिंगिंग इन द ओपन। वाह सर, ये कहां की फोटो है अनूप सर? जब हम लोग खजाना प्रोग्राम करते हैं ना गजल का। अच्छा जी, तो उसके प्रमोशन में हम लोग गए थे, तो वाह तो थोड़ा पानी बरस रहा था लेकिन हम लोग लगे हुए थे मीडिया के साथ। लवली पिक्चर दिखाइए। तलत ना? हां तलत, पंकज। हु इज द जेंटलमैन इन द मरून शर्ट? वो अपने फ्लूट प्लेयर चौरसिया। अच्छा अच्छा, राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की सहेलियां उसे मंडप में ला रही हैं। नहीं भाई, अनूप जी हमेशा दूल्हा ही बनते हैं। बात तो सही है। बारिश रुक गई है, जिसकी लुंगी है उसको दे दो, उसकी झांगों पे बर्फ जम गई हो। और दिखाइए, अनूप जी अलाप जल्दी खत्म करो, तलत जी के हाथ दुख रहे हैं। बाकी दो को काम पे लगा दिया, पंकज जी क्यों खाली हैं? उन्होंने इतने भारी बालों वाला मुंह उठा रखा है, ये क्या कम है? और दिखाइए। ओ हम्बल टू रिसीव द सिविक रिसेप्शन ऑनर एट द हैंड्स ऑफ ग्रेग फिशर, मेयर ऑफ लुईविल। लुईविल, तो ऐसे क्यों फिर लिखा है?
मेरे को बताओ आज आगे तभी बढ़ेंगे. लुइस जब लिखा है तो सर क्यों नहीं बोल रहे? जैसे नाइफ में क साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है. वो तो के पहले आता है, ये तो बीच में घुसा हुआ है. पर कई बार लुइस प्रोनाउंस होता है एस के साथ और कई बार नहीं. अब वो कई क्यों नहीं होता है, कब होता है ये मुझे पता नहीं. मेयर ऑफ लुइविले यूएसए शेयरिंग ग्रेटफुल हैशटैग ऑनर्ड हैशटैग मेयर हैशटैग लुइविले हैशटैग यूएसए. चलिए नीचे पढ़ते हैं. ओह नो, ये अवार्ड तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा. अच्छा बॉटल है, वाह यार ये बड़े अच्छे अंग्रेज. ऐसे अवार्ड होने चाहिए. सुदेश जी भी लाइक, हम चार सिंगर हैं, एक अवार्ड से क्या होगा. ओह सुदेश जी भी लाइक, अब तो आना जाना लगा रहेगा. आगे दिखाइए. और ये कैसा अवार्ड है, हमारे यहाँ तो शॉल देते हैं. रिप्लाई, भाई ये शॉल से ज्यादा गर्मी देती है. बहुत अच्छे. और दिखाइए आगे. रैप्ड अप द शूट ऑफ माय अपकमिंग फिल्म. सर क्या बात है. वो मेरी स्टूडेंट है विद रैप सॉन्ग, नाउ गेट रेडी टू डांस विद मी, रिलीजिंग सून. वाह सर रैप भी किया आपने, दिखाइए कमेंट्स. एक्शन आपने बादशाह वाला पकड़ा है, गहने बप्पी दा के हैं और फील पूरा मिक्का वाला ले रहे हैं. अनूप जी बता रहे हैं बगल में तो एक है, वैसे मेरी चार है. स्टूडेंट स्टूडेंट लिखा, अगर ये पता होता भजन का फल इतना मीठा मिलेगा तो तलत अजीज और पंकज उदास भी भजन गा रहे. अगर लड़की के जूते आप पहन लेते तो आपकी फुल पैंट हो जाती. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत सही है. और ओए खत्म हो गया. वेरी गुड. कैसे ये दूर के चाचा हैं, ऐसे आ जाते हैं. अब तो दूर के ना बोल, आज तो मेरा माहौल बना है. कपिल सबसे अच्छा काम तूने आज किया है, इतने महान कलाकारों को जो बुलाया है. नहीं तो मैं तो घर जाने वाला था. इनको मिलने घर जा रहे थे? नहीं मैं अपने घर जाने वाला था. क्योंकि मैं कई बार गया हूँ सर आपके घर में, वो वॉचमैन अंदर जाने नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है. क्यों? मैं सर आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो, अनूप जी बैठे हैं, सुदेश जी बैठे हैं, ये सच है कि आज जितना मैं खुश हूँ मैं कभी नहीं हुआ. इतने बड़े फैन हैं आप इनके? नहीं वो जितने एपिसोड किए हैं आज मुझे पेमेंट मिली है. चाचा जी आपको बच्चन साहब की आवाज़ बड़ी पसंद है ना? हाँ सुदेश जी बहुत बढ़िया निकालते हैं, आपको पता है. आवाज़ ठीक है लेकिन हिम्मत है ना, उनका बटवा निकाल के दिखाओ. मैंने दो तीन बार कोशिश किया सर, मैं पकड़ा गया. एक तो वो यहाँ रखते हैं लंबे बड़े, हाथ नहीं पहुँचता, बड़ी प्रॉब्लम होती है. वैसे आप गाना गाते रहते हो, आज इतने महान सिंगर आए, इनसे सीखो ना कुछ आप. हाँ हाँ सर मैं सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा. सुदेश जी आप इधर आ जाओ, सुदेश जी इधर हो या इधर हो, सुदेश जी इधर इधर, सुदेश जी हैं दोनों. सुदेश आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो ये बताओ. सर मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ, यहाँ तो मुझे कभी कभी बुलाते हैं. सर बताइए, जैसे सर आप ऐसे गाते हैं, आपको इतनी नॉलेज है, मैं जैसे ये तानसेन जी जैसे गाते थे तो दिए जाते थे ना, ऐसा मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी अभी सिखा देता हूँ आपको. नहीं मुझे बल्ब जगाने, पता क्यों सर? वो ना ठंड में क्या होता है, बल्ब जगाना हो मैं सर्दी में निकला नहीं जाता मेरे से. पता क्या, मैं ठंड में लुगाई छोड़ सकता हूँ, मैं रजाई नहीं छोड़ सकता. मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को नहीं कुछ बोलता ऐसा मेरे साथ. ऐसी बातें आप करते हो ना, इसीलिए नहीं बुलाते आपको हम. तो तू मुझे बता मैं कैसी बातें करूँ जो हर एपिसोड में बुलाएगा. अर्चना जी आज इतने महान कलाकार आए हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गाए हैं सर ने, आपने आपने सबने गाए हैं, और आज अगर बॉबी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता. बॉबी के मुझे सारे गाने पसंद हैं लेकिन एक गाना तो बहुत ही पसंद है. सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये तो कमाल ही है. लेकिन जो आपने सर सर मैं आपकी बात भी करूँगा. सर आपने जो गाना गाया ना, तो चाबी खो जाए हम तुम चाबी, ओ वाले मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे. इतने रोमांटिक थे आपके पिताजी? नहीं रोमांटिक नहीं, वो चाबी बनाने का काम करते थे. तो वो मतलब वो चाहते थे लोगों की चाबियां गुम हो जाएं और मेरे को माल आए. मैं कहता हूँ भगवान की इतनी कृपा हुई है, पद्मश्री मिला है आपको, एक मेरे को भी दिलाओ ना. ऐसे नहीं मिलता है. आप एक भजन गा लो मैं दिलाता हूं. उनको मिलता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो. 40 साल से मैंने अपने आप को पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या करूँगा.
चाचा आप करने क्या आए इधर? हाँ, मैं जो मेन बात थी, सुदेश जी आप अभी आप सामने आ जाइए, मेन आप हैं। सर मैं एक सिंगिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान कलाकार हैं, मैं चाहता हूँ उसमें आप जज बन जाएं, तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले शो किया कभी आपने कोई? पता क्या है, मैंने जितने भी शो किए ना उसमें जज बहुत नुक्स निकालते हैं। मुझे क्या तेरी चाय ठीक नहीं है, पत्ती ज्यादा है, ग्रीन टी ठीक नहीं है, छुट्टी करो तेरे निकाल देंगे। सिंगिंग करने गए थे कि चाय बनाने गए थे? नहीं मैं कर रही तो सिंगिंग किया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब मेरी सिंगिंग सुनी ना, वो कहते तुम किचन में जाके चाय बनाओ। मुझे लगा कि शायद इनका होगा कुछ, जजेस का होता है ना कि पहले ये मेरे को चाय बनवाएंगे, बाद में शायद गाना करवाएं। फिर जब 3 साल तक उन्होंने मेरे से चाय बनवाई ना कपिल, फिर मेरे को लगा कि यार इन्होंने मुझे काम पे रख लिया है, मेरा बनना कुछ नहीं। शायद इनको ना सिंगर बहुत मिल रहे हैं, इनको चाय वाला नहीं मिला। लेकिन सर जब इन्होंने चाय में नुक्स निकाला ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाने में नुक्स निकालो जो आपको ठीक है, चाय में कैसे? हम चाय घराने से हैं यार। ये कौन सा घराना होता है? हम चाय जो चाहे वही किया है, तो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जज बन जाओ। और सर आपने तो इंडस्ट्री में इतने साल तक चाय पी है, आप थोड़ी मेरे नुक्स निकालोगे। नहीं निकालेंगे। आप देखो सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज? सुदेश जी जी आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी यकीन नहीं करोगे? नहीं मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है मैं वो वाला। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था। मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे, तो 2 उंगलियां उनमें फंस गई, तो फिर वो ऐसे तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना, तो स्टाइल उनका वही था, सुदेश जी मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं, फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो अब सिंगिंग की बात चली है तो अनूप जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं नहीं करूंगा सर, वो थोड़ी सी दूसरी बात है। आ रही सुदेश जी जल्दी को बताओ, मैं उनको बता दूं। चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। चलो शैलेंद्र जी मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे, उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे, प्यार में इतने। लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी इधर प्यार इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुशी हुए ना, खुशी खुशी में डस रहे होंगे सांप। 10 होंगे या 20 होंगे हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी। और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे, जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे, मतलब हैं कैसे ब्रश किया? पता नहीं झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झाग ही निकलेगी। छोड़ो किन चक्र में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे, आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे, जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना जी। सर जी कुछ अफवाहें हैं, हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है, उसमें विस्की डाल कर देता है मुझे। अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है, अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ शायद, बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ आप भी निकाल के रख लो बाहर। अच्छा हो गया फिनिश? खत्म हो गया। सुदेश जी आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना, गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल। तो फवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती।
अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज़ ना पकड़ लो। कुछ कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को हेकते ना हफ्ते कि बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चा बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने, अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो, ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप है? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। उसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मॉनिटर रूम में, अमित जी बैठे मुझे कर रहे इधर ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देख कर ऐसे कर, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में, तो उन्होंने उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफ़ी शोज करते साथ में, तो सपना मुखर्जी मोहम्मद अजीज़ और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने अभी उनका फ़ोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज़ को फ़ोन किया, फ़ोन मिले हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, अमी अमी मिठुन दा, सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलते हैं। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार सर, वो कन्विंस हो गए कैसे से, कट टू सपना जी को फोन किया, सपना हम मिठुन दा, सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं यार मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज़ आई आई देवी जी आई? अच्छा मैं आपको बता दूँ सासू माँ के बारे में, बीच में ये कुछ ऑनलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई, तो मैंने कहा हाँ, तो बोल अया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे, ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गए। पर सुदेश सर आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? आई मीन अपनी वाली रखी नहीं। क्या बात है यार, क्या फनकार है सर आप, लव यू सर। सर आपके पड़ोस में कुछ लड़के LLB की पढ़ाई करते थे, तो फवाह ये है कि LLB पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया, क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी LLB 8 साल लेट हुई। एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या हुआ, उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, 4 खोलियां इधर, खोली बोलते, 4 खोलियां इधर, 4 कमरे इधर, बीच में कॉमन टॉयलेट, राइट। अब मेरा ऐसा अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था। और अब बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे बेचारे, LLB की परीक्षा दे रहे थे, साउथ इंडियन थे, मतलब एक्चुअली वो है मैं आज यहाँ बैठा हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने, उनका नाम भी बताता हूँ, मिस्टर पिल्ले साहब कॉरपोरेटर थे हमारे गोरेगांव के, उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही, और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में, तो अपनी वाइफ को बोलते ये क्या रे ये भोसले का लड़का दिन भर चिल्लाता रहता है, इसको कुछ काम वाम पे लगा। वो जो उनकी पत्नी थी उनकी जो बहन है उनके बेटे मास्टर राजू मास्टर बिट्टू जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं, और राजू और बिट्टू, मेरी शुरुआत कैसे हुई कि ये जो उस वक्त ये जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था,
मास्टर मयूर, फिर बेबी राखी, मिनी तबस्सुम, ये लोग क्या करते थे ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे. कौन से शोज? रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त. अच्छा. कोई गाना लगा था, वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे बच्चे क्यों डांस करते थे पब्लिक. और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना, मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था. तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया. ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले, उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा और बस उसी तरह. तो मैं एक्चुअली, आपने ये सवाल पूछा, ये वाह क्या बात है, क्या जर्नी. बहुत सारे लड़के नहीं, एक ही आदमी था. ब्यूटीफुल जर्नी. थैंक यू सर. शैलेंद्र सर, आपके बारे में ये फवाह है कि एक बहुत ही मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब, उनका भी नाम शैलेंद्र था, अफवाह ये कि कई बार लोग गलती से आपको गाना लिखने के लिए फोन कर देते थे और आप लिख विख के पैसे भी ले लेते थे. काश मैं ऐसा करता, ये अफवाह ही है. सर एक आपके बारे में और अफवाह है कि आर डी बर्मन साहब जब आपको कोई गाना डमी रिकॉर्ड करके भेजते थे तो आप अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे, उसका क्या रीजन था? बोल दो. वो हुआ यूं कि अभी जो मैंने अर्चना के लिए गाना गाया था हे कांची, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी. अच्छा. तो वर्ड्स लिखे नहीं थे तो धुन बन गई थी. अब धुन बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी वर्ड्स डाल देते हैं जी, तो बाद में वो सॉन्ग राइटर आके लिख देंगे जो भी है. तो उन्होंने बोला चलो मैं तो कैसेट भेज रहा हूँ, तो रिहर्सल कर लेना, वर्ड बाद में देता हूँ. मैं बोला ठीक है. अब मैं हॉल में बैठा वो गाना सुन, होगा तुम सो गा रहे मेरा कौन हम कहो तो तुमसे हे कांचे, अंतरा जब शुरू हुआ जो लंबी चौड़ी जितनी दुनिया भर की गालियां थी वो थी उसमें. अरे बाप रे, मैं भागा अंदर, मेरी फैमिली बैठी थी, मैं बेडरूम में जाके मैंने सुना. फिर मैंने उनको फोन किया, मोबाइल से होते नहीं थे, पंचन भाई क्या भेजा आपने गाली, और तेरे को मालूम नहीं डमी वर्ड बोलता. अरे मैंने मरवा दिया मेरे फैमिली, अब दोबारा नहीं सुनना फैमिली के आगे. क्या बात यार, जीनियस थे मैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र सर के लिए. आज ये शाम बड़ी यादगारी रहेगी सर. थैंक यू फॉर कॉलिंग. लव यू सर, लव यू सर. और एक बार हमारे म्यूजिशियंस के लिए और राज सर के लिए. दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें. गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल, थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.